बागली मुख्यालय की मुख्य कृषि उपज मंडी पर कार्यरत 7 कर्मचारियों को पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने के कारण राखी पर्व भी इन कर्मचारियों के लिए फीका रहा, तो दीपावली पर्व पर भी बिना वेतन के कैसे घर के आंगन में दीप जल पाएंगे। यह चिंता इन कर्मचारियों को खाए जा रही है, क्योंकि सभी कर्मचारी मंडी से मिलने वाले वेतन पर ही निर्भर है। जानकारी के अनुसार शासन द्वारा मंडी टैक्स और समर्थन मूल्य की राशि जमा नहीं करने के कारण इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही इन कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आयुक्त से लेकर प्रबंधक चालक के प्रबंध संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और देवास के प्रबंध संचालक महोदय को भी लिखित में अवगत करा चुके हैं। यहां तक कि आपकी सरकार आपके द्वार में भी वेतन नहीं मिलने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुस्त सरकार के रवैये के कारण इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आप सभी कर्मचारियों की भैया वेतन की समस्या है साहब, 8 महीने से वेतन नहीं मिला है हमको, मतलब मार्च से लगा के अभी तक वेतन नहीं मिला। क्या कारण? हमने सभी यहाँ से जो भी कार्रवाई करना थी सब कार्रवाई कर चुके हैं। और हमारे जो गेहूँ के पैसे देने हैं समर्थन मूल्य खरीदी के, वो 15 लाख रुपये वो भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। वो चना का टैक्स वैसे भी माफ़ कर दिया शासन ने, तो वो भी नहीं आ रहे, 55 लाख पिछले साल के बाकी, हमारे इस साल के बाकी है। समर्थन मूल्य पर जिंदी मंडी और समर्थन मूल्य पर ही जिंदी है मंडी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।